नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग दोस्तों अच्छे होंगे। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के लिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल क्लास पार्ट 6। ठीक है, आज ESIC की नर्सिंग ऑफिसर की स्पेशल क्लास की 6 है। इससे पहले की जो पांचों पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद पार्ट 6 भी देख लेना दोस्तों, ESIC की जो तैयारी है जमकर करना। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके आने वाले NORSET 23, GMCH, PGI एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल और मददगार रहने वाली है। वीडियो एंड तक देखना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और जल्दी से फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवम ओव्यूलेशन, ठीक है, ओवम जब ओव्यूलेशन ओव्यूलेट होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद जो अपना जो बैग है उससे वो आउट हो जाता है, ठीक है, ये आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रेगनेंसी के टाइम में कब तक फंक्शनली एक्टिव रहता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 to 4 weeks, 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks एंड 10 to 12 weeks। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 to 12 weeks। 10 to 12 weeks तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रेगनेंसी का वो एक्टिव रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में यहाँ पे पूछा गया है, लैक्टेशन आप सब जानते होंगे, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होता है उसे लैक्टेशन बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है। तो उसके लिए जो मेन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लैक्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन दी हेल्दी वुमन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अपर 2/3 ऑफ द वजीना। वजीना के अपर 2/3 पार्ट में जो ऑर्गेनिज्म हेल्दी वुमन में फाउंड होता है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रकोमानियासिस, डुडलिन बैसिलस, मोनेलियासिस एंड गोनोरिया। मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ये अगर वजीना में प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कोई भी वजीनल इन्फेक्शन जो बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो ये ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है ड्यूडेनल बैसिलस, जो कि एक हेल्दी वुमन में प्रेजेंट रहता है अपर 2/3 पार्ट ऑफ द वजीना में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो किसके कारण, किसके वजह से होता है? तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का जो इफेक्ट होता है ओव्यूलेशन के बाद वो बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बेस्ट मैथड फॉर स्पेसिंग द चाइल्ड बर्थ इन द वुमन। वुमन में चाइल्ड बर्थ को स्पेस के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आप सब जानते हैं वेल नोन IUCD, कॉपर टी या मल्टी लोडेड। ठीक है, कॉपर टी मल्टी लोड, IUCD इज द बेस्ट मेथड फॉर द स्पेसिंग ऑफ द चाइल्ड बर्थ इन द वुमन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है रेगुलरली टाइम एपिसोड्स। ठीक है, मतलब कि पूछा गया है जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलर है। तो रेगुलर कुछ भी हो सकता है, 28 डेज, 32 डेज, 26 डेज, जो भी एक नॉर्मल पर्सन का अपना अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है टाइमली, वो है रेगुलर है। बट जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव है। ठीक है, पीरियड्स तो नॉर्मल साइकिल में चलते हैं, अपने टाइम से आते हैं, बट जो मेंसेस होती है तो वो हैवीली एक्सेसिव ब्लीड करती है। ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये सिंपल मीनिंग में आपको मैंने समझा दिया क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पॉलीमिनोरिया, मेटरोरेजिया, मेनोरेजिया एंड मेनोमेटरोरेजिया। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
मेनोरेजिया। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं आपको चारों समझा देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया कैसे बोलेंगे हम, पॉलीमेनोरिया, आप पॉली का मतलब समझ गए होंगे एक्सेसिव, ठीक है, एंड मेनोरिया जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। अगर आपकी साइकिल जल्दी आ रही है 21 डेज में, 18 डेज में, ठीक है, या 16 डेज में, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया, ठीक है। अब सेकेंड है मेट्रोरेजिया, अब मेट्रोरेजिया किसे बोलेंगे, मेट्रो से याद रखना, क्योंकि ये मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया दोनों एक ही से टर्म है, याद रखने में बहुत मुश्किल रहने वाली है। तो एक सिंपल सा जो ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे याद रखती हूँ, ठीक है। मेट्रोरेजिया का मतलब है जो साइकिल है, ए साइक्लिक लिख लो, ए साइक्लिक, ठीक है, ए साइक्लिक और इरेगुलर, इरेगुलर ब्लीडिंग, क्वेश्चन में यही लिखा आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर मेट्रोरेजिया का क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा ए साइक्लिक एंड इरेगुलर ब्लीडिंग एंड इट इज़ कॉल्ड मेट्रोरेजिया। तो आपको मेट्रो से याद रखना है, ऐसे सोचना है कि आजकल दिल्ली में मेट्रो बहुत ही ए साइक्लिक और इरेगुलर आने लगी है ना। तो मेट्रो को ये याद रखना, दिमाग में जमा लो अपने, कि जो मेट्रो है आजकल अपने टाइम से इरेगुलर हो गई है और ए साइक्लिक हो गई है, टाइम से नहीं आती है बिल्कुल भी, है ना। ऐसे याद रखोगे ना आपको ज़रूर श्योरली याद रहेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही याद रहता है ये। अब तो कॉमन है कि मुझे याद है, बट जब शुरुआत के दिनों में जब मैंने ये याद किया था तो इसी तरीके से याद किया था कि मेट्रो आजकल टाइम से नहीं आती है, इरेगुलर और एसाइक्लिक टाइम पे आती है, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। और मेनोरेजिया को याद तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक याद रहेगा अगर आपको मेट्रोरेजिया कोई एक चीज़ याद रहेगी तो, ठीक है। तो मेट्रोरेजिया का क्या है, एसाइक्लिक इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। अब मेनोरेजिया का तो आपको मैंने बता ही दिया है, टाइमली ब्लीडिंग है बट एक्सेसिव अमाउंट में है, ठीक है। जो साइकिल है वो टाइम पर आती है बट जो एक्सेसिव होता है अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। अब एक और टर्म है मेनोमेट्रोरेजिया, इसमें देखो दोनों वर्ड आ गए हैं, मेनो भी है और मेट्रो भी है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मेनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, या हो सकता है DUB भी बोल सकते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। या तो हो सकता है आपकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो टाइमिंग पे है, ठीक है, या टाइमिंग के बीच में भी आपको ब्लीड कर सकता है, ठीक है। एक्सेसिव हैवी ब्लीड करेगा, जो आपको पीरियड्स होते हैं नॉर्मल उसमें भी एक्सेसिव ब्लीड करेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मिड में भी बीच में भी कभी भी एक्सेसिव ब्लीड करेगा, तो जिसको हम कहेंगे मेनोमेट्रोरेजिया, या अदर वर्ड्स में क्वेश्चन में ये भी आ सकता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो आपको ऑप्शन में लिखना है मेनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट, पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट पूछा गया है न्यू बॉर्न्स में नॉर्मल। जो राइट आंसर है आपका 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 40 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है। आगे बढ़ जाते हैं इसकी तरफ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है इन्फेंट का जो वेट है, ठीक है, बर्थ वेट डबल कब होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इन्फेंट का जो बर्थ है 3 kg का हुआ है, ठीक है, तो 6 kg डबल हो गया, कब होगा, 5 मंथ पे होगा, याद रखना है 5 मंथ पे डबल होता है, 1 ईयर पे ट्रिपल होता है, 2 ईयर पे 4 times, 3 ईयर्स में 5 times, ठीक है। कैसे, जैसे कि 3 kg, ठीक है, 3 kg 5वें महीने में हो गया 6, ठीक है, 1 साल में हो गया 9 kg, ठीक है, 3 × 12, 2 साल में हो गया बच्चे का वेट 12 kg। आप समझ गए ये ट्रिक क्या थी मेरी, वेट को इंटू करते जाना है, ठीक है, डबल हो गया 5वें में, ट्रिपल हो गया। अब जब 1 साल में ट्रिपल हुआ है ना, तो 4 times कब हो जाएगा, 2 साल में। तो ऐसे करते आगे सीढ़ी चढ़ाती जाना है, और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, आपको एग्ज़ाम में आंसर यही लिखना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इन्फेंट की जो वेट के बारे में बात की, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एट बर्थ, यहाँ पे पूछा गया है एट बर्थ जो है कितने फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉन्टेनल्स क्या है, स्कल की जो सूचर्स हैं ना, स्कल की जो सूचर्स हैं,
ये स्कल सूचर जो हैं इनके बीच में पाए जाने वाले गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल्स। ठीक है, तो एट बर्थ कितने परसेंट होते हैं? आई होप तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप में से कितने लोग बोलेंगे टू फॉन्टेनल्स, बट इसका राइट आंसर नहीं रहने वाला है ये, क्योंकि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्स फॉन्टेनल्स। बर्थ के टाइम पे सिक्स फॉन्टेनल्स प्रेजेंट रहते हैं न्यू बॉर्न में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे पूछा गया है द रिकमेंडेड साइट फॉर द एक्सरे फॉर द बोन एज डिटरमिनेशन ऑफ 11 टू 12 ईयर्स। 11 टू 12 ईयर्स के एक चाइल्ड की जो बोन एज हमें डिटरमाइन करनी है एक्सरे के थ्रू, तो कौन सा रिकमेंडेड साइट होगा फॉर द एक्सरे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है हैंड एंड रिस्ट। हैंड एंड रिस्ट की बोन्स का हम एक्सरे करेंगे, जिससे हम 11 से 12 साल के बच्चे की जो बोन एज है डिटरमाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे। पूछा गया है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन बच्चे को, न्यू बॉर्न को एट बर्थ, बर्थ के टाइम में नर्सरी पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से रूट से देंगे, आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल 15 डिग्री पर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, स्कर्वी। स्कर्वी जो है इज अ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाइटामिन सी। वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में स्कर्वी की कंडीशन क्रिएट होती है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे पूछा गया है मोनटॉक्स टेस्ट। ठीक है, मोनटॉक्स टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया, पेशेंट का मोनटॉक्स टेस्ट करा। ठीक है, मोनटॉक्स टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मोनटॉक्स टेस्ट करने के बाद वो आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस टीबी प्रेजेंट है। ठीक है, मोनटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आया। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो साइनोटिक कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ, जन्म के साथ जो बीमारी साथ आई है। ठीक है, जन्मजात बीमारी या कोई भी डिफेक्ट जिसे बोल सकते हैं, या कोई बीमारी बोल सकते हैं, कंजेनाइटल, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी है, साइनोटिक है। ठीक है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है उसे कौन सी वाली है, इन चारों में से चारों ही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, बट साइनोटिक पूछिए। ऑप्शन नंबर डी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, साइनोटिक कंजुनेटल हार्ट डिजीज की कंडीशन है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, रूमेटिक फीवर के लिए, रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है माइनर क्राइटेरिया और एक होता है मेजर क्राइटेरिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है, मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, इन तीन चार में से तीन ऑप्शन जो है मेजर क्राइटेरिया है, किसी एक को छोड़ के, कोई एक ही जो माइनर क्राइटेरिया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्डाइटिस, फीवर, कोरिया एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। राइट आंसर है फीवर, क्योंकि फीवर को हमें माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एबनॉर्मल हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF। जो एबनॉर्मली CSF का हाई एक्यूमुलेशन हमारे इंट्राक्रैनियल स्पेस में हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोसिफेलस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसिफेलस जो है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेसेस। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में बोला गया है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स मतलब पैरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों में अगर लोअर लिम्स में पैरालिसिस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम पैराप्लेजिया। ठीक है, पैराप्लेजिया बोलते हैं। हेमिप्लेजिया मतलब बॉडी का आधा हिस्सा अगर पैरालाइज होता है तो वो हेमिप्लेजिया है। ठीक है, अगर दोनों हाथ और दोनों पैर में हो जाए तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रिप्लेजिया। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं मैं आपको बता दूँ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अडीमा, एल्बोबिन यूरिया एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये जो तीन सिम्टम है ये क्लासिकल ट्रायड है फॉर द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, बट जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बीपी इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिस्टिक आरबीसी कौन सी कंडीशन में सीन होती है।
तो राइट आंसर है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिस्टिक आरबीसी सीन होती है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है परप्यूरा। परप्यूरा मतलब जो नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं ना बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं नील पड़ गया, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम परपूरा। तो परपूरा की जो मैनिफेस्टेशन क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। राइट आंसर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट काउंट का डिक्रीज हो जाना ही कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में परपूरा मैनिफेस्टेशन देखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूड इन द इंटेस्टिनल स्पेसिस। इंटेस्टिनल स्पेसिस में एक्सेसिव फ्लूड का एक्यूमुलेट होना क्या कहलाएगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इफ्यूजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एडिमा। राइट आंसर है इफ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए, इट्स कॉल्ड इफ्यूजन। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन। ये आपकी एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, लेकिन एक ये ऐसी आर्टरी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एबनॉर्मली जो एक लोकलाइज्ड डायलेशन हुआ है ब्लड वेसल के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे एन्यूरिज्म, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, जहाँ पे कि एबनॉर्मल डायलेशन हो गया ब्लड वेसल का, एंड दिस इज़ कॉल्ड एन्यूरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के बिनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा बोलेंगे ब्लड वेसल के ब्राइन ट्यूमर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, सीओपीडी। सीओपीडी आप देख रहे हैं, सीओपीडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सीओपीडी में दो चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखा दूँ मैं, ठीक है। इम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये इन दोनों को इंक्लूड करके सीओपीडी की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ सीओपीडी में ब्रोंकियल अस्थमा को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में अगर आया तो सीओपीडी में इम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दो चीज़ इंक्लूड होती है। पहले अस्थमा हुआ करता था, बट अब अस्थमा को सीओपीडी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कोई तीन डिसऑर्डर है जो सीओपीडी में इंक्लूड किए जाते हैं एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन को हम सीओपीडी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये पूछा गया है कि वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, अगर वॉमिटिंग ब्लड आया है, ठीक है, वॉमिटिंग में अगर ब्लड का प्रेजेंस है तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर है हिमेटेमेसिस। एमेसिस वेल नोन टर्म है, एमेसिस इज अ वॉमिटिंग एंड हिमेट इज अ वेल नोन टर्म फॉर द ब्लड, हिमेटेमेसिस, ठीक है। हेमेटेमेसिस इट्स कॉल्ड ब्लड इन द वॉमिटिंग, ओके। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी जो पहले 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्पेशल क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, अगली नेक्स्ट क्लास जो है ईएसआईसी के लिए क्लास 7 में आपके लिए कल लेकर आऊँगी, कल इसी वक्त में। बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।